केवल शिक्षा ग्रहण कर लेने से ही आप शिक्षित नहीं होते ज्ञान का प्रसार और प्रचार करना सही मार्गदर्शन करना ही शिक्षित होना है हमारे देश में कितने लोग हैं जो सही मायनों में साक्षर हैं? देश के विकास और उन्नति में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है तो क्या आप देश में ज्ञान के प्रसार में योगदान देते हैं क्या आप जानते हैं कि एंट्रप्रिनशिप शिक्षा के क्षेत्र में भी होती है क्या है शिक्षा का मूल मंत्र आइए जानते हैं आज के हमारे एपिसोड में। नमस्कार बिजनेस इनसाइड में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव आज हम बात करेंगे एंटरप्रिन्योरशिप के बारे में और आपको समझाएंगे कि एंटरप्रिन्योरशिप और एंटरप्रन्य में क्या बेसिक डिफरेंस होता है और जब भी एंटरप्रिन्योरशिप की बात होती है ना तो एक ही नाम जहन में आता है जो अपने ज्ञान से आप सबका मार्गदर्शन करते हैं और हमेशा करते रहेंगे तो आइए स्वागत करते हैं द वन एंड ओनली आज शो में श्री सुनील कुमार गुप्ता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आपके अपने शो में नमस्कार सर इससे पहले की शुरुआत करूँ शो की अपने सारे व्यूअर्स को हम बता दें कि आज हमारा ट्वेंटी फिफ्थ एपिसोड है यानी कि हमारा सिल्वर जुबली एपिसोड और इसीलिए हमने बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ भी इनवाइट किया है हम स्पेशली यहाँ पर सुभारती यूनिवर्सिटी में बैठे हैं शो करने के लिए तो जोरदार तालियां हो जाए इसी बात पर तो आप क्या कहना चाहेंगे पच्चीस एपिसोड आरोप मैं कहना चाहूंगा बहुत अच्छा सफर रहा बहुत अच्छा लगा और मेरे को लगता है कि मेरी नॉलेज बहुत बड़ी है, आपने जितने क्वेश्चन पूछे मेरे से जो मेरे जहन में थे मेरे मुंह से बाहर आए तो मेरी नॉलेज भी अपडेट हुई और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सर आज सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि इससे पहले कि एंटरप्रेन्योरशिप पर आपसे बात करूं कि हमारा देश एजुकेशन सिस्टम के मामले में कहा स्टैंड करता है यदि हम अपने देश में हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे देश में सात सौ सतहत्तर यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूनिवर्सिटीज़ चार तरह की होती हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं एक स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो अगर हम अपने देश में देखें तो जो सात सौ सतहत्तर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से सैंतालीस यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और अगर स्टेट गवर्नमेंट की देखें तो लगभग तीन सौ छप्पन यूनिवर्सिटीज़ स्टेट गवर्नमेंट की हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखें तो दो सौ चौवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और डीम्ड यूनिवर्सिटी देखें तो 122 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है तो बहुत यूनिवर्सिटीज की संख्या बहुत ज्यादा है और शायद आपको ये जान के भी खुशी होगी कि हमारे देश की लगभग 100 यूनिवर्सिटीज पूरे संसार से कम्पीट करती हैं जो संसार की अच्छी यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं उसमें हमारे देश की भी सौ यूनिवर्सिटीज आती हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की जिसके बारे में हम कही कहीं ना कहीं जिक्र कर ही देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या है सर इंटरप्रीनियरशिप का मतलब हो गया कि जब कोई भी इंटरप्रन या कोई भी व्यक्ति अपने सारे संसाधन को इकट्ठा करके एक रिस्क लेते हुए आगे बढ़ता है और अपनी कोई भी फैक्ट्री या कोई भी स्टेबलिशमेंट स्टेब्लिश करता है उसे इंटरप्रेनशिप कहते हैं इसी के साथ अगर बात करूं कि और एंटरप्रन्य में आप कोई डिफरेंस देखते हैं समझते हैं देखिए डिफरेंस हो गया का मतलब हो गया एक फाउंडर एक इनोवेटर एक इनोवेटर जिसने कोई रिसर्च की या एक फाउंडर जिसने कोई नई इंडस्ट्री लगाई और एक रिस्क लिया क्योंकि रिस्क कई तरह के होते हैं बिजनेस में इनहेरेंट रिस्क होते हैं इकॉनमी के से भी रिस्क होते हैं और हर चीज़ में रिस्क है हमारे को कैसे आप संसाधन इकट्ठे करोगे कैसे फाइनेंस इकट्ठा करोगे कैसे लेबर मिलेगी ये सब कुछ करते हुए इस सब करने के प्रोसेस को इंटरप्रनरशिप कहते हैं इंटरप्रोनर जो ये करता है और जैसे करता है उस प्रोसेस को हम इंटरप्रोनरशिप कहते हैं बिल्कुल खोज किया और फिर इम्प्लीमेंट किया हाँ तो इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो हमारा इंटरप्रनोरशिप हो गया और इंटरप्रनोर जिसने किया वो इंटरप्रनोर हो गया बड़ी अच्छी बात आपने बताई इसी के साथ जानना चाहूंगी अगर कोई इंसान एक इंसानप्रनोर बनना चाहे तो उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए देखिए खूबियां इंटरप्रनोर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके अंदर इनिशिएटिव लेने की शक्ति होनी चाहिए कि कि एक होता है कि जब भी आप कोई एक्शन करते हैं तो वो फोर्स एक्शन होता है कि अब आपको आपने के आपनेडमिशन लिया आपको पढ़ना ही है तो आप पढ़ रहे हैं आपने कहीं कुछ खोलना चाहा तो जब आपको सब बना के दे दिया तो आपने कहा कि अब मुझे करना ही है एक होता है खुद से इनिशिएटिव अगर आप खुद से इनिशिएटिव ले सकते हैं खुद आप फोर्स ही कर सकते हैं कि आगे आने वाला समय क्या है और कैसे उसको देखना है तो इंटरप्रोनर आप बन सकते हैं तो जैसे आपके अंदर इनिशिएटिव होना चाहिए इनिशिएटिव लेने की शक्ति होनी चाहिए ऐसे ही आपके पास अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने की शक्ति होनी चाहिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है कि अब आगे आगे आने वाले देश में दस साल में या पंद्रह साल में क्या नई अपॉर्चुनिटी आएंगी क्या वो नई अपॉर्चुनिटी होगी उन अपॉर्चुनिटी को देखना परखना और फिर उन अपॉर्चुनिटी में जाकर के उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना और उसके लिए संसाधनों का जुटाव करना ये बेसिकली दो चीजें होगी इस तरह से अगर इंटरप्रन में देखा जाए तो बहुत लंबी लिस्ट है जी अगर क्रिएटिव होने की बात मैं करूं या फिर सेल्फ एनालिसिस की बात करूं तो कितना इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ एंटरप्रेन्योर के लिए देखिए बिल्कुल जरूरी है एंटरप्रेन्योर वो ही बन सकता है जो क्रिएटिव होगा यदि मान लीजिए आप किसी ऐसी इंडस्ट्री को भी खोल रहे हैं जो कि पहले से इस्टेब्लिश इंडस्ट्री है तो भी अगर आप क्रिएटिव होंगे तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं आप अपने क्रिएशन से नई इनोवेशन कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को जो भी प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली बना सकते हैं उस प्रोडक्ट को आप इस प्रकार से बना सकते हैं कि वो ज़्यादा लोगों की लाइफ को चेंज कर सके और वो ज़्यादा लोगों की लाइफ में कुछ बेनिफिट कर सके

तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं वहां भी आप तरक्की करते हैं वहाँ पर अगर आप इंटरप्रनर की तरह काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी तरक्की बाकी इंप्लाइज से ज्यादा तेज हो रही है इंटरप्रनर का मतलब है बेसिकली अपना अगर आप स्टेब्लिश कर सकें तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर आपके अंदर इंटरप्रनर की काबिलियत है और आपके अंदर वो खूबियां हैं तो आप कोई भी काम करें जॉब भी कर रहे होंगे तो आप अच्छी तरह करेंगे और आप ज़्यादा तरक्की करेंगे और जिस भी फील्ड में आप होंगे उस फील्ड में आप कोई ना कोई नया इनोवेशन कर सकते जी हाँ सर आपने ठीक कहा इसी के साथ सर ये भी जानना चाहेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर कैसे और उसके लिए किन-किन बातों का ध्यान रखें लेकिन एक छोटे से ब्रेक हम हमेशा सोचते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन ही हो सकता है जबकि एक छोटा कुम्हार इनोवे वो भी एक एंटरप्रेन्योर है कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी व्यक्ति अपने सारे संसाधन को इकट्ठा करके एक रिस्क लेते हुए आगे बढ़ता है अपनी कोई भी फैक्ट्री या कोई भी इस्टेब्लिश करता है उसे हैं क्या आप कोई नया व्यापार करना चाहते हैं या फिर अपने चलते हुए व्यापार में कोई बिजनेस टिप्स जानना चाहते हैं तो देखिए हमारी खास पेशकश बिजनेस इन सुनील कुमार गुप्ता जी के साथ हर शुक्रवार सुबह साढ़े बजे सिर्फ डी नेशनल आरोप ब्रेक के बाद बिजनेस इन में आप सभी का स्वागत है अपनी चर्चा को जारी रखे उससे पहले आपको मिलवाते हैं आज की हमारी गेस्ट ऑफ़ द डे जो है प्रेसिडेंट ऑफ सुभारती चैरिटेबल ट्रस्ट श्रीमती जी शिक्षा हर नागरिक का जन्म सिद्ध अधिकार होता है और इस अधिकार को समाज के हर नागरिक तक पहुंचाने की अहम भूमिका निभाई है डॉक्टर शैल्या राज ने इन्होंने स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के रूप में सबके लिए समान शिक्षा और पनपने के लिए पर्याप्त अवसर दिए इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत तो एक डॉक्टर के तौर पर की पर समाज कल्याण और शिक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ बनाना इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था साथ ही इन्होंने अपने पिता के उन मुक्त भारत के सपने को एक नई ऊर्जा भी प्रदान की जिसका एकमात्र लक्ष्य देश का विकास और एक जाति विहीन समाज का नव निर्माण करना है ज्ञान की ज्योति जो इन्होंने अपने प्रांगण में जलाई वो आज पूरे देश को रोशन कर रही है तो आइए मिलते हैं डॉक्टर शैलिया राज जी से जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत आप एक डेंटिस्ट भी हैं। क्लासिकल फील्ड में भी अपना कमाल दिखा चुकी हैं और ये आपका इंटरेस्ट भी है साथ साथ एजुकेशन फील्ड में एंट्री लेना ये सब कुछ कैसे किया आपने वेल well, शुरुआत तो इसी से हुई uh, जो मेरे क्लासिकल एस्पेक्ट है दैट वाज मोर लाइक माय हॉबी लेकिन प्रोफेशनल फील्ड के लिए मैंने डेंटिस्ट्री को चुना क्योंकि ये एक माध्यम था जिससे बहुत सारे लोगों की सेवा एक साथ की जा सकती है मेडिकल uh, से जुड़ा हुआ भी है और साथ में हमें उस और चीजों करने का भी समय दे देता है जो हम अपनी जिंदगी में उसके अलावा करना चाहते हैं जैसे ही डेंटिस्ट्री एंटर कर ली और इस यूनिवर्सिटी में एंटर कर लिया तो हमारी जो केके भी चैरिटेबल चैरिटेबल ट्रस्ट है उसमें कई सारे लोग हैं जो हमारे को चुनते हैं एवरी ईयर एक इलेक्शन होता है जिसमें चुना जाता है प्रेसिडेंट को उन्होंने इस लायक समझा कि मैं प्रेसिडेंट बन सकती हूँ इन सब चीज़ों को संभाल सकती हूँ तो उन्होंने मुझे इसके लिए चुना तो छोटी सी बात में भी लंबा सा सफर सर हम तो हमेशा ही कहते हैं ना बदलाव के बारे में आप क्या कहोगे इस बारे में मैं हमेशा कहता हूँ इंटरप्रनरशिप एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल में ले सकते हो आप अपने कंट्रोल में डेस्टिनी को ले लोगे और इसमें आपको अपनी इच्छाएं पूरी करने का भी पूरा मौका मिलता है आपको पैसा कमाने का भी पूरा मौका मिलता है और साथ में आप अपनी प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं लाइफ में किस समय किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है तो इतने सारे एडवांटेज एक साथ इंटरप्रनरशिप में मिलते हैं और एक बहुत बड़ा एडवांटेज कि आप अपनी एक छाप छोड़ सकते हैं पूरे समाज देश और विश्व के लिए जो आगे आने वाली जनरेशन से याद रखती है इससे बड़ा बेनिफिट और इंटरप्रिनरशिप का मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी इंटरप्रिनशिप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इंटरप्रेन्यरशिप बहुत इंपॉर्टेंट uh, है किसी के लिए भी क्योंकि अपने आप को एक काम शुरू करना उसे आगे ले जाना उसको इस्टेब्लिश करना उस चीज़ का जो सेटिस्फैक्शन और खुशी अपने आप को मिलती है और हम एक ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे कि हम आगे चल के उस, उसको चेंज ला सकते हैं हम कुछ कर सकते हैं हम हमेशा सोचते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन ही हो सकता है जबकि एक छोटा कुम्हार इन अ वे वो भी एक एंटरप्रेन्योर है तो अपनी चीज को शुरू करना और उसे आगे ले जाना उसको अपनी जीविका का माध्यम बनाना ये ही इंटरप्रिनशिप है और इसी को हमें समझना है और आगे लेके जाना है बिल्कुल सही वैसे बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं अपने सवाल आपसे पूछने के लिए उनसे बात करते हैं जी बताइए गवर्नमेंट ने इंटरप्रेन के लिए बहुत कुछ किया है बट स्पेशली विमेन्स इंटरप्रिन के लिए क्या क्या देखिए जितनी भी स्कीम इंटरप्रेन के लिए वो सब वन इंटरप्रन के लिए तो ही है लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि विमेन इंटरप्रनर के लिए बहुत सारी खास स्कीमें अलग से हैं जैसे कि अगर मान लीजिए आप प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की बात करते हैं तो उसमें विमेन के लिए मार्जिन मनी कुल पाँच परसेंट है और अगर उसके लिए उनके लिए सब्सिडी बहुत ज़्यादा है उनके लिए सब्सिडी पच्चीस और पैंतीस है तो इसी प्रकार से बहुत सारे एक महिला बैंक है तो उस महिला बैंक में बहुत सारी स्कीम है उनकी अन्नपूर्णा स्कीम है उनकी श्रृंगार स्कीम है उनकी जो सिर्फ़ महिलाओं को देती है तो इस तरह के से और जितने भी हमारे एम सेक्टर में जितनी भी स्कीम है चाहे वो बिगर क्वाल फ्री लोन मिलता हो वो सब में पहली प्रायोरिटी वुमेन के लिए है चाहे मुद्रा है चाहे स्टैंड अप है अगर आप स्टैंड अप इंडिया देखें तो स्टैंड अप इंडिया में इंस्ट्रक्शन हैं कि हर बैंक एक वुमेन को और एक एस सी एस को लोन देगा तो वुमेन के लिए हर जगह पहला परफ्रेंस है तो ये भी एक एडवांटेज है और जो खास स्कीमें हैं वो तो हैं ही हैं वुमेन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में वेल विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आज की तारीख में और ये जो हमारी नई गवर्नमेंट है इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं, जैसे सर ने कहा उसी को सेकंड करूंगी कि बहुत सारी लोन की स्कीम्स हैं, बहुत सारी जगह सिर्फ महिलाओं को लोन मिल सकता है पुरुषों को लोन मिल ही नहीं सकता तो ऐसी महिलाओं को सिर्फ अपना हुनर ढूंढ के निकालना है वो चाहे सिलाई हो बुनाई हो कोई भी चीज हो उसके लिए वो एंटरप्रिन्योर बन सकते हैं और उसमें बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं थोड़ी ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी स्कीम किसके लिए सुटेबल है डिपेंडिंग ऑन द फील्ड जो वो करना चाहता है जो चीज जो एक मेडिकल प्रोफेशन में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सुटेबल होगी और एक अलग स्कीम होगी जो एक डिफरेंट फील्ड जैसे जर्नलिज्म के लिए सुटेबल होगी तो रिसर्च तो उसमें भी करनी पड़ेगी लेकिन स्कीम्स बहुत सारी हैं। इनफैक्ट सर आपसे जानना चाहूंगी कि एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात होती है तो बहुत सारी और क्वालिटीज का सवाल आता है क्वेश्चन आता है दिमाग में और कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए देखिए एक क्वालिटी और बहुत जरूरी है प्लानिंग की क्योंकि जो इंटरप्रिन होता है वो बेसिकली प्लान करता है किसी भी इंटरप्राइज को शुरू करने के लिए तो मैं बताना चाहूंगा कि जो चार फैक्टर होते हैं इंपॉर्टेंट इंटरप्रिनशिप के लिए सबसे पहला होता है लैंड लैंड का मतलब हो गया कि आप लैंड कहा लेंगे या आप लैंड बिल्डिंग बनी बनाई लेंगे या खाली लैंड लेंगे उसमें बिल्डिंग बनाएंगे या खुद की लेंगे या किराए पे लेंगे और कहाँ होगी आपकी कौन सी इंडस्ट्री है किस इंडस्ट्री के लिए इस समय रिसर्च के अनुसार कहाँ पर इंडस्ट्री लगाना ज़्यादा यूजफुल है दूसरी बात लेबर कि लेबर को कैसे आप कंट्रोल में रखेंगे लेबर को कैसे ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट देंगे कैसे अपने प्रॉफिट पैसे शेयर लेबर को भी देंगे जिससे वो ज़्यादा मेहनत से काम करें और उनके वर्किंग आवर्स कैसे रखेंगे उनको क्या क्या बेनिफिट देंगे उनको मेडिकल सुविधाएं क्या होंगी उनके वेलफेयर की सुविधाएं क्या होंगी उनसे काम किन टर्म्स पे लोगे आप ये कंट्रोल करना वो प्लान करना और तीसरी बात अगर हम देखें तो फाइनेंस कि फाइनेंस कैसे लेंगे अपना कितना लगाएंगे बैंक से कितना लेंगे या किसी इन्वेस्टर को भी डालेंगे और चौथी बात है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है और बाकी इंटरप्राइजेज हैं उनसे कॉर्डिनेशन कैसा इन सबकी प्लानिंग को करने को ही इंटरप्रोनरशिप कहते हैं और मैं एक बात कहना चाहूंगा वो सेल्फ क्रिटिकल होना बहुत जरूरी है आपको क्या लगता है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखा है इस यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स में देखा है और जिन्होंने सब चीज को किया उसमें देखा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिटर्मिनेशन हार कभी नहीं मान सकते मैंने आ, बहुत छोटे से देखा है इन लोगों को ये सब चीजें चीजेंश करते हुए और अब खुद संभाल रही हूँ कोई भी परेशानी से अगर हम भागने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते तो जो की टू सक्सेस जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की यही है कि हमें डिटर्मिनेशन बहुत इसेंशियल है और हार कभी नहीं माननी अगर वो एक कहावत है ना कि खिड़की हमेशा खुद मिल जाती है अगर दरवाजे बंद भी हो जाते हैं कोई खिड़की होती है तो हम जब शुरुआत करते हैं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लेकिन अगर हमने हमारे दृढ़ निश्चय कर रखा है कि हम कुछ करना है अपने जीवन में कुछ स्टेब्लिश करना है तो रस्ते जरूर निकल आते हैं तो आज का शो बहुत इंस्पिरेशनल हो गया है हमारा इसी इंस्पिरेशन को आगे भी ताजा रखेंगे यानी इस ब्रेक के बाद उनको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए क्योंकि हर एक व्यक्ति से बेटर एक और व्यक्ति होता है संसार में फैमिली सबसे बड़ा सपोर्ट है तो अगर कोई बच्चा उसको लगता है और फैमिली को लगता है कि उनके बच्चे में वो कैपेबिलिटी है तो डेफिनेटली उन्हें उसकी सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि एक फेयर चांस हर एक को मिलना चाहिए एक कविता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती क्या आप कोई नया व्यापार करना चाहते हैं या फिर अपने चलते हुए व्यापार में कोई बिजनेस टिप्स जानना चाहते हैं तो देखिए हमारी खास पेशकश बिजनेस इन सुनील कुमार गुप्ता जी के साथ हर शुक्रवार सुबह साढ़े बजे सिर्फ डी नेशनल पर ब्रेक के बाद एक बार फिर बिजनेस इन साइट में आप सभी का स्वागत है आपसे जानना चाहूंगी इतनी सारी चीजें जब आपने मैनेज की तब आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े होंगे ना क्या चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े वैल well, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि मुझे पूरा एक साल लगा इसको प्रूव करने में कि ट्रस्टीज जो बाकी के ट्रस्ट मेंबर्स मेंस वो मुझे लाइक समझ पाए क्योंकि एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमेशा सब सोचते हैं कि छोटी सी है क्या कर पाएगी बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैंने चेंज लाया और मैंने प्रूव किया और अब भी कर रही हूँ मैं पिछले चार साल से प्रेजिडेंट हूँ सो आई एम कंटिन्यूइंग ऑन दैट डैट पोस्ट तो एक बहुत बड़ा ये चैलेंज था कि एज के साथ साथ जब आप बात करते हो तो लोग आपको जिसको कहते हैं ना हल्के में ले लेते हैं कि ये तो छोटी सी है शायद इसका कोई अपना सोच नहीं होगी तो एक वो बहुत बड़ा चैलेंज था एंड यस डेफिनेटली बीइंग अ वुमन एक वो भी कहीं कहीं ना कहीं एक फैक्टर होता है कि जितने भी लोगों से आप डील करते हो 90 परसेंट आज भी आर मेन सो अ वुमेन टेलिंग देम कि अब आप, आप ये करो और ऐसे मत करो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक फैक्टर अभी भी है चेंज uh, आ रहा है लेकिन थोड़ा सा समय आई थिंक और लगेगा बाकी तो मेहनत उसके अलावा तो और कोई शॉर्टकट नहीं होता टू सक्सेस एंड यू हैव टू से अबाउट दैट सर देखिए ये तो चैलेंज है देखिए कोई भी इंटरप्रेनर को सबसे पहला जो चैलेंज आता है वो फैमिली से आता है जो हमारा सोशल सर्किल होता है फैमिली से आता है वो हमेशा ये कहता है तुम क्या कर पाओगे तुम रहने दो तुम कहीं जॉब ढूंढ लो या तुम्हारे बस की ये नहीं है तुम ये बंद चक्कर में पड़ो जब वो पैसे की बात करता है तब भी ये बोलते हैं तो इंटरप्रनर को सबसे पहले रोकने वाला उसकी फैमिली होती है तो सबसे पहला जो उसको चैलेंज होता है वो फैमिली होती है और उसका सोशल सर्किल होता है और अगर वो विमेन है तो बहुत ही ज़्यादा है उसमें जहाँ वो शुरू करती है वहाँ भी ये चैलेंज है लेकिन उसी को ओवरकम करने के लिए महिलाओं को आगे आना पड़ेगा और इसीलिए सरकार ने इतनी सारी बेहतरीन स्कीम्स महिलाओं के लिए बनाई हैं कि वो आगे आएं और अब अगर आप देखेंगे तो वो कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही हैं और मुझे लगता है कि पुरुषों से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। बिल्कुल सही या, मेरी फैमिली नहीं आ, फैमिली वॉज द सपोर्ट जिससे आगे बढ़ के यहाँ तक बढ़ पाई हूँ बट यस सोशल सर्कल जो सरने का वो एक मेन फैक्टर था फैमिली के बगैर तो उनका सपोर्ट तो सबसे इसेंशियल होता है यहाँ पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं अपने सवाल पूछने के लिए उनके सवाल जान लेते हैं जी बताइए

और मैं कहूँगा सरकार चारों में मदद करती है जो हमारे चार फैक्टर होते हैं चारों के लिए मदद करती है वो लैंड के लिए भी मदद करती है उसको भी अलॉटमेंट करती है और बताती है कैसे आप ले सकते हैं और लेबर के लिए भी मदद करती है उसने कानून बनाए हुए हैं जिससे कि आपको ईजीली पता लगे कैसे क्या क्या उनको सुविधाएँ देनी है और जहाँ तक फाइनेंस की बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें उसके लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएँ हैं आपकी प्लानिंग पर डिपेंड करता है कि आपने किस योजना में लेना है इसके अलावा हमारे देश में इतने सारे नेशनलाइज बैंक हैं और प्राइवेट बैंक हैं वो सब फाइनेंस करते हैं उनके पास जो टोटल डिपॉजिट होता है उसका सिक्सटी परसेंट उन्हें फाइनेंस करना ही होता है तो उस तरह से भी फाइनेंस बहुत है तो आप बैंक से भी ले सकते हैं आपका क्या कहना है इस बारे में एल आईविल जैसे कि हाँ मुश्किल तो होती है और पैसा चाहे हम कह लें कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है तो बट पैसा इम्पोर्टेंट है और लेकिन वही है कि जब आप सब चीज़ प्लान करते हो तो आपको ये सब चीजें भी प्लान करके आगे चलना पड़ता है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको प्लान करना है और आगे बढ़ना है बल्कि हम अपने बच्चों को कई सारे जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको खुद लोन देते हैं और स्कॉलरशिप पॉलिसीज देते हैं जिससे कि वो इस मामले में आगे बढ़ तो आई थिंक इंस्टीट्यूशंस को भी इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट का हाथ बटाना चाहिए तो हम थोड़ा एक बेटर स्टेप आगे ले पाएंगे टुवर्ड्स डेवलपमेंट अपने पूरे देश के डेवलपमेंट की तरफ बिल्कुल सही कहा और आपको भी ये बता दें कि कामिला ही आज की हमारी कॉलर ऑफ द डे हैं। तो उनको बुलाते हैं जोरदार तालियों के साथ आर लकी कॉलर ऑफ द डे इस मंथ पर उनका स्वागत है अच्छा सर आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है हर वो स्टूडेंट जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है लेकिन फैमिली सपोर्ट कई बार नहीं मिलता उनकी फैमिली को उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए ताकि हर बच्चा एंटरप्रेन्योर बन सके और हमारे देश को आगे बढ़ा सके बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि जब भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर की बात होती है तो फैमिली से हमेशा उसे रेसिस्टेंस होता है क्योंकि फैमिली चाहती है बिजनेस ना करे जिससे कि उसका पैसा वेस्ट ना हो जाए कहीं वो एक उनको रिस्क जो एलिमेंट होता है वो रहता है सेकेंड थर्ड जनरेशन में तो वो चाहते हैं बिजनेस में आए लेकिन फर्स्ट में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो इसीलिए मेरे को लगता है कि अगर बच्चे के अंदर क्वालिटी है तो उसे इंटरप्रनोर बना दे, बनने देना चाहिए क्योंकि वो इंटरप्रेनोर बनेगा तो कुछ ज्यादा बदलाव ला पाएगा और वो देश और समाज दोनों के उत्थान में मदद कर पाएगा बिल्कुल सही आपसे भी यही सवाल जानना चाहूंगी आपको कितनी हद तक लगता है कि एक फैमिली को, को सपोर्ट सिस्टम की तरह अपने बच्चे के साथ खड़े रहना चाहिए फैमिली सबसे बड़ा सपोर्ट है तो अगर कोई बच्चा उसको लगता है और फैमिली को लगता है कि उनके बच्चे में वो कैपेबिलिटी है तो डेफिनेटली उन्हें उसकी सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि एक फेयर चांस हर एक को मिलना चाहिए एक कविता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो अगर लोग कोशिश ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे डेफिनेटली असफलता भी होती है लेकिन उससे हार नहीं माननी तो हर कदम पे प्रॉब्लम्स तो कोई भी हम नई चीज़ शुरू करते हैं तो उसमें आती ही है लेकिन उनको आगे ओवरकम करने के लिए एक बहुत ज़रूरी है कि जो एक परिवार का हाथ होता है सर पे वो रहे और उनका सपोर्ट रहे अच्छा आपकी यूनिवर्सिटी क्या क्या चीजें कर रही है क्या प्लानिंग रहती है बच्चों को एडुकेशन में बढ़ावा देने के लिए वेल well, हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से तो बहुत सारी मैंने अभी कहा था स्कॉलरशिप पॉलिसी स्पेशली फॉर गर्ल्स अगर कोई लड़की है या कोई पर्सन है जिस जिसके फैमिली मेम्बर्स फैमिली उसमें आर्मी में है तो उन सब के लिए एक अलग स्कॉलरशिप पॉलिसी है हम लोन देते हैं कई सारे बच्चे होते हैं जो अपने इतना उनके पास फाइनेंसियल नहीं होते कि अपनी सारी की सारी पढ़ाई वो खुद कर सकें और पढ़ाई करने के बाद यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि ठीक है आपने लोन ले लिया आप यहाँ पे आपने पढ़ाई खत्म कर ली अब आप यहीं पे काम करिए क्योंकि जॉब ढूंढना भी एंटरप्रेन्योर बनना भी जॉब ढूंढना भी ये सब चैलेंजेस हैं एक बच्चा जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है वो एकदम से इस चीज़ में नई कदम रख सकता तो उस तरीके की ट्रेनिंग मिलना बहुत जरूरी है तो उसके लिए हम ये सारी उनको अपॉर्चुनिटीज देते हैं हम अलग से क्लासेज रखते हैं ट्रेनिंग प्लेसमेंट जिससे कि बच्चा इस लायक बन सके वो समझ सके कि उसको बाहर क्या करके क्या करना है और कैसे करना है एक अभी जो हमारे कॉलर ने क्वेश्चन पूछा था कि जैसे अब आप अपनी क्लिनिक स्टार्टअप करना चाह रहे हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो चीज आप जब कॉलेज में कर रहे हो उससे जब आप एक प्राइवेट प्रैक्टिस में करते हो तो उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है मरीज का एटीट्यूड में बहुत फर्क होता है एक कस्टमर के एटीट्यूड में बहुत फर्क होता है तो इस चीज़ को समझ पाना उसको हैंडल करना इसके लिए भी एक ट्रेनिंग चाहिए होती है इसी के साथ आज का सिग्नेचर कमेंट जानना चाहोगे इन सब चीजों का तोड़ क्या है उनको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए क्योंकि हर एक व्यक्ति से बेटर एक और व्यक्ति होता है संसार इस में इससे पहले कि मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूं, मैं यहाँ पर जो हमारा एक छोटा सा प्रेजेंट है वो हमारे गेस्ट ऑफ द डे को आपके हाथों से दिलवाना चाहूंगी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी जो आप यहाँ पर हमेशा आते हैं और इतनी सारी गाइडलाइंस हमें देते हैं थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच मैम आपका भी शुक्रिया करना चाहूंगी जो इतना कीमती वक्त निकाल कर तो आप यहाँ पर आई थैंक यू फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहें अपना कोई सवाल हमसे पूछना चाहें जरूर हमें लिखकर भेज सकते हैं एसएमएस के जरिए या फिर मेल्स के जरिए भी और कॉल तो आप हमें कर ही सकते हैं फिलहाल इजाजत दीजिए आप सब खुश रहिए नमस्कार